बिजनौर के थाना कोतवाली शहर के नंगला के गांव वासियों ने ग्राम प्रधान पर लगाया जबरन तालाब में पानी की निकासी करने का आरोप। जी हां, आपको बता दें कि नंगला और भोगी दोनों एक ही पंचायत होने की वजह से दोनों गांव का एक ही प्रधान है, जिसके चलते नंगला के गांव वालों ने तहरीर में देकर बताया कि वर्तमान प्रधान भोगी का, जो कि अपने गांव का पानी हमारे गांव के तालाब में जबरन लाने के लिए तैयार है। साथ ही गांव वालों ने एक पत्र CDO बिजनौर को भी भिजवा दिया है और कहा है कि हम किसी भी कीमत पर पानी की निकासी अपने गांव में नहीं होने देंगे। अभी नहीं, जब हम बच्चे हैं। जी, क्या नाम है आपका? वकीला। वकीला जी, कौन से गांव की हो? नंगले के। क्या मामला है, क्यों आए आप थाने? जोड़े में पानी ला रहे हैं किसान। क्यों, क्या कहा? किसान पानी ही ला रहे जोड़े में। अच्छा, और नहीं मान गया वो? हमने तुम्हारा बोलना काम नहीं है। सीधे साहब को साहब दर्शा दी थी, जई गया प्रधान, एक मिल गया, अरे पानी नहीं आवागा। जई क्या कह रहा? जई नुकारा पानी नहीं आवागा। और भी कुछ कहा उसने? और नुकारा ना भाई, हम कभी बिजट नहीं है, कभी होगा बिजट हो तो वो मतलब थोड़ा खुदवा देंगे। क्या नाम है आपका? रुखसाना। रुखसाना जी, क्या मामला है, क्यों आया थाने पर? हम यो नो आए भैया, हमारा परेशानी है, भोगी का पानी हमारे नंगले में ला रहा है। और भैया प्रधान, हमने एप्लीकेशन लगाई थी, उसमें जाया आया प्रधान आया, वो आप लुका गए कि तुम तो रोका जाओ तो पानी रोक लो, मैं पानी यहीं लाऊंगा। क्या नाम है प्रधान? प्रधान का बीरसपाल नाम है। तो उन्होंने कहा, हमने उसका कहा, फिर हम तो उजड़ देंगे, उजड़ जाओ उजड़ जाओ, तुम तो रोका जाओ तो रोक लो पानी, तुम्हारा घर डह जाओ बाहर डह जाओ। सेक्रेटरी ने क्या कहा? सेक्रेटरी ने भी नहीं कहा था, आज नहीं था सेक्रेटरी, यही कहा प्रधान का। हाँ।